दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmitgsmtool.com पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर फैमिली टीवी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टूल के बारे में, जिसमें दोस्तों है फर्स्ट मैग्मा टूल, दूसरा है दोस्तों सैमसंग हब टूल। दोस्तों, दोनों ही टूल सैमसंग के लिए आते हैं, सैमसंग FRP के लिए स्पेशली आते हैं। तो दोनों में से कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, दोनों का क्रेडिट का प्राइस क्या है, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दोस्तों पहले सैमसंग के लिए स्पेशली आप सैमसंग के जो हायर मॉडल आते हैं उसका सपोर्ट कोई बॉक्स डूंगल में तो था नहीं। जैसे आप जेट्रिक्स देख ले या ऑक्टोपस सैमसंग देख ले या तो चीमेरा देख ले, उसमें किसी में भी दोस्तों सैमसंग का जो लेटेस्ट मॉडल है उसके FRP का ऑप्शन नहीं था। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा था कि या तो आप बाईपास करो हैंड के थ्रू, या तो कुछ लोग जैसे हम मोबाइल से खुद बाईपास कर ले रहे थे, या तो दोस्तों आप ऑनलाइन उसको FRP रिमूव करवा रहे थे, जिसका चार्ज था दोस्तों 50 रुपीज़। तो दोस्तों 50 रुपीज़ में आप ऑनलाइन भी करवा रहे थे, बट ऑनलाइन में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि सामने वाला कब खाली होगा, कब वो बिजी है, उसका PC कब खाली हो रहा है, उसके बाद दोस्तों आपका नंबर आता था तब जाके आप ऑनलाइन करा पाते थे, यानी आपको वेटिंग करना पड़ता था। बट दोस्तों अभी मार्केट में टूल्स आ गए हैं सैमसंग FRP के लिए, जो कि दोस्तों आप ऑनलाइन में जितने में करा रहे थे उससे भी सस्ते में हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको दो टूल मिल रहा है यहाँ पे, एक तो सैमसंग हब टूल मिल जा रहा है, दूसरा दोस्तों आपको मिल जा रहा है मैग्मा टूल। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों ही टूल सर्वर से कनेक्टेड है, यानी दोनों सर्वर से चलते हैं, दोनों ही सैमसंग FRP के लिए तो बेस्ट वर्क करते हैं। ऐसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सैमसंग FRP ही है, इन्होंने और भी टूल निकाला है आपको IMEI के लिए, और दूसरा दोस्तों नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे और भी टूल निकाला है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए कौन सा सैमसंग के लिए अच्छा है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है FRP के बारे में। तो FRP के लिए अगर आप देख रहे हैं, सैमसंग FRP के लिए देख रहे हैं, तो दो टूल आपके पास अवेलेबल है, एक तो मैग्मा, दूसरा है दोस्तों सैमसंग हब। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या प्राइसिंग है, क्या क्रेडिट लगेगा। तो दोस्तों दोनों ही टूल पहले तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, का कोई चार्जेस नहीं है। सेकंड थिंग दोस्तों, अगर आप दोनों ही टूल डाउनलोड करेंगे तो उसमें दोनों ही टूल में ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर्ड करने का, तो दोनों पहले आपको जाके उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे दोस्तों आप मैग्मा टूल डाउनलोड करेंगे तो मैग्मा टूल डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें email ID पासवर्ड डाल के आपको वहाँ पर रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करने के बाद उसमें आपको क्रेडिट परचेस करना होगा। वैसे ही सेम मेथड दोस्तों सैमसंग हब टूल में भी है, आपको वहाँ पे रजिस्टर करके आपको क्रेडिट परचेस करना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों की क्रेडिट की प्राइस क्या है। तो क्रेडिट प्राइस दोनों ही दोस्तों सेम है, दोनों ही सेम रखा हुआ है। ऐसे दोस्तों क्रेडिट प्राइस मार्केट में तो अलग अलग चल रहा है, जैसे एक क्रेडिट 100 रुपीज़ का चल रहा है मार्केट में। बट दोस्तों मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपको मैग्मा टूल या सैमसंग हब टूल का क्रेडिट परचेस करना है तो आप डायरेक्टली विजिट करें mmitgsmtool.com पे, जहाँ पे दोस्तों 92 रुपीज़ में आपको एक क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये कैसे क्रेडिट आप 92 रुपीज़ में परचेस करेंगे। दोस्तों इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आपको उसको जो वीडियो बनाया है उसके अंदर ही मैंने कूपन कोड भी दिया हुआ है। तो कूपन कोड के जरिए आप 92 रुपीज़ में एक क्रेडिट आप परचेस कर सकते हैं, यानी 920 रुपये में तो दोस्तों आपको 10 क्रेडिट मिल जाता है। अगर आप दोस्तों ये हिसाब से देखें, 92 रुपीज़ के हिसाब से देखें, तो आपको एक फ़ोन जो पड़ता वो करीबन आपको 22 रुपीज़ में एक फ़ोन आपको सैमसंग का FRP अनलॉकिंग के लिए ये आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया क्रेडिट दोनों का सेम है, सैमसंग हब में देखेंगे और
मैग्मा में देखेंगे तो दोनों का क्रेडिट प्राइस तो दोनों सेम दिया हुआ है दोस्तों। क्रेडिट का जो प्राइस है आप MMIT पे 92 रुपीज़ में दोनों का ही क्रेडिट परचेस कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि अगर आप मैग्मा में देखेंगे तो एक क्रेडिट में आपका 4 फोन अनलॉक हो रहा है। बट दोस्तों अगर आप इसमें देख रहे हैं सैमसंग हब में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक क्रेडिट पे 2 ही फोन अनलॉक हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गैप है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे क्रेडिट प्राइस तो दोनों का ही सेम है बट यहाँ पे इन्होंने गैप क्या दे दिया है कि मैग्मा में 4 फोन अनलॉक हो रहा है और यहाँ पे 2 फोन अनलॉक हो रहा है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है आपको कि दोनों ही टूल दोस्तों काम तो पावरफुल कर रहा है, दोनों ही टूल अच्छा काम कर रहा है। बट दोस्तों मैग्मा थोड़ा ज्यादा आपको फोन क्रेडिट का जो है एक क्रेडिट में 4 फोन अनलॉक का ऑप्शन जो दे दिया है उसमें काफी अच्छा दिया हुआ है। तो मैग्मा में अगर आप देखेंगे तो वो करीबन 22 रुपए में आपका फोन हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 45 रुपीज लग रहा है आपको सैमसंग हब में। तो दोस्तों दोनों ही टूल अच्छे हैं, दोनों ही टूल अच्छा काम कर रहा है, दोनों ही टूल प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा में 22 रुपीज़ में हो जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको मैग्मा टूल में जाना चाहिए, मैग्मा टूल का क्रेडिट लेके आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये जो क्रेडिट है इसका कोई लिमिट है क्या, क्रेडिट का कोई टाइमिंग है क्या। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी आप क्रेडिट खरीदो, चाहे वो UFI पे क्रेडिट खरीदो, चाहे और भी कोई बॉक्स डोंगल में क्रेडिट अगर आप परचेस करते हो तो क्रेडिट का दोस्तों कोई वैलिडिटी नहीं होती। क्रेडिट आप कभी भी यूज़ कर सकते हो तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो आप इसको परचेस करें, क्रेडिट आपको एक साथ 10 क्रेडिट परचेस करना है, एक दो क्रेडिट नहीं परचेस कर सकते, मिनिमम आपको 10 क्रेडिट परचेस कर लो। 10 क्रेडिट परचेस करके दोस्तों आप उसको कितने टाइम भी यूज़ करना चाहते हो उतना यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैग्मा का अगर आप 10 क्रेडिट यूज़ करते हो परचेस करते हो तो इसमें करीबन आपका 40 फोन यानी 40 फोन आप अनलॉकिंग कर पा रहे हो। तो दोस्तों आप एक बार आप 920 रुपीज़ डाल के आपको एक बार परचेस करना है और इसे इजीली यूज़ करना है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि मैग्मा टूल और सैमसंग हब टूल में कौन सा टूल बेस्ट है, उनके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों ही सर्वर से चलते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली फ़ोन कनेक्ट करो और डायरेक्टली सर्वर से अनलॉक कर लो। तो दोनों ही टूल सेम मेथड से सेम वे से काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 4 फोन अगर मैग्मा में अनलॉक हो रहा है तो आपको जाना चाहिए मैग्मा में। अगर आपको मैग्मा का क्रेडिट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है कि कैसे आप परचेस कर सकते हो, 920 रुपीज़ में आप कैसे परचेस कर सकते हो वो आप ज़रूर देख लेना। उसमें कूपन कोड भी दिया हुआ है वीडियो में, तो वीडियो में देख के आप इजली कर सकते हो, क्रेडिट परचेस कर सकते हो हमारे वेबसाइट MMITGSMTool.com से। अगर आप डायरेक्टली परचेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी आप परचेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।